महा मुकाबले हमने बहुत से देख लिए, लेकिन अभी जब फाइनल की बारी है तो फिर गूज बम्स भी आ रहे हैं। लोग अपनी अपनी उम्मीदों के साथ टकटकी लगाकर भी बैठे हैं कि कल जैसे ही मैच शुरू होगा तो कौन किस पर भारी दिखने वाला है। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का पहुंचना एक अलग उत्साह लोगों का बढ़ा रहा है। क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जब फाइनल में भारत पहुंचा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कांटे का मुकाबला होना है, हेड टू हेड ये फाइट होगी। रविवार को अहमदाबाद के वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने घर में या दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मैच देखने की तैयारी में जुट गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा ये फाइनल मैच। लगातार 10 मैच जीते हैं टीम इंडिया ने, और अब फाइनल में प्रवेश करने के बाद ये 11वां मुकाबला टीम इंडिया का, जिसमें जीत के इरादे से जाहिर तौर पर रोहित ब्रिगेड उतरेगी। वर्ल्ड कप के खिताब पर रोहित ब्रिगेड की पूरी नजर है। वर्ल्ड कप का ये जो मुकाबला है ये बेहद खास होने वाला है, और बात बड़ी ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार की वर्ल्ड कप विजेता है, 8 बार सेमीफाइनल तक का सफर उसने किया है, और टीम इंडिया किसी भी तरह ये चाहेगी कि वो वर्ल्ड कप अपने नाम करे। न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी इस उम्मीद में हैं कि मैच टीम इंडिया के पक्ष में जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहने वाले हैं कल इस मुकाबले को देखने के लिए। अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, संगीत कार्यक्रम भी रहेंगे, और साथ ही साथ ड्रोन शो भी होगा। ऐसे में जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग होंगे, बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार रहेगा कि कब दोनों टीमें आमने सामने आएँ, कब दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो। अब 10 जीत के बाद 11वीं जीत टीम इंडिया को मिले, यही क्रिकेट के फैंस चाहते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं। अमरोहा से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और खास बात यह भी है क्योंकि शमी का नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। पिछले मैच में तो 7 विकेट झटके थे, और 7 विकेट झटकने के बाद टीम इंडिया तो गदगद है ही, क्रिकेट फैंस भी हैं, और मोहम्मद शमी के परिवार के कुछ लोग जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ। कल के मैच से क्या कुछ उम्मीदें हैं, सीधे बात कर लीजिए। पूरा देश जो है उत्सुक है, और शमी के गांव में हम मौजूद हैं, उनके परिवार वाले, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहिए कहेंगे। हमें उम्मीद यही है कि शमी भाई जैसे सेमीफाइनल परफॉर्मेंस किया है, ऐसे ही फाइनल परफॉर्मेंस करे और टीम के क्या। अब सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दे दी है गाँव के लिए, स्टेडियम बनने जा रहा है यहाँ। देखो ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी सौगात दी है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि शमी भाई इसी तरीके से परफॉर्मेंस करें, और क्या कहते हैं कि ये जो मिनी स्टेडियम दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस मिनी भाई कल जिस प्रकार से मैच होना है, तो गांव में सभी के गांव में क्या क्या तैयारियां की गई है मैच के लिए, किस प्रकार से मैच देखा जाएगा। तैयारियां देखो LCD लगा दी जाएगी और सब लोग बैठ के मैच देखेंगे, आप लोग भी आना और मैच देखना आराम से, और टीम इंडिया को चीयर करना और उम्मीद करना और दुआएं करना की टीम इंडिया फाइनल। अब गांव में कैसा माहौल है, जैसे कल मैच भी है और उससे पहले जो अरुण, चूंकि अमरोहा के गांव से शुरू हुआ था मोहम्मद शमी का सफर, और जो पीछे बच्चे कुछ खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, कहा यह जाता है इन्हीं खेतों में मोहम्मद शमी ने अपने सफर की शुरुआत की थी, और आज तो सिर्फ देश नहीं दुनिया में मोहम्मद शमी की चर्चा हो रही है। जरा इन लोगों से बात तो कीजिए, अगर रिश्तेदार हैं तो जाहिर तौर पर शुरुआत की बातें भी जानते होंगे, क्या यही इसी मैदान पर मोहम्मद शमी ने अपने खेल की शुरुआत की थी। बिल्कुल, देखिए ये शमी का तहसील अली नगर गांव है, और अगर आप देखेंगे ये वही स्टेडियम है जहां पर जो खेल का मैदान है, यहां पर शमी खेला करते थे, और उनकी जो गेंदबाजी थी उसके बदौलत आज जो है वो भारतीय टीम के एक तेज गेंदबाज बनकर उभरे हैं, और उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ उसका शुरू से स्ट्रेटजी रही है। अच्छा, सबसे पहले कल जिस प्रकार से मैच होना है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे उम्मीद यही है शाहरुख भाई अच्छी परफॉर्मेंस करें, बाकी टीम इंडिया भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, जो ओपनिंग स्टार्ट है उसका रोहित शर्मा और सुमन गिल, केएल राहुल है, विराट कोहली है, सभी अच्छी एक स्टार्टिंग कर देते हैं टीम इंडिया को, जो अच्छे स्कोर पर पहुंच जाती है उसी के थ्रू अपने टीम इंडिया की बॉलिंग का नंबर आता है, बैटिंग की सीमा माशाल्लाह पांचों लोग अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप यादव रवि जडेजा है, बुमराह है, विराज है, और शमी भाई का तो कहना ही क्या है, उन्होंने 6 मैचों में 23 विकेट माशाल्लाह काफी अच्छे नाम उन्होंने परफॉर्मेंस की है इस वर्ल्ड कप, और हम यही उम्मीद करेंगे कल के वर्ल्ड कप के लिए क्या इंडिया 2003 में वर्ल्ड कप का फैसला नहीं। अच्छा, ये वही मैदान है जहाँ पर शमी प्रैक्टिस करते थे, यहीं खेला करते थे, उनसे जुड़े कुछ किस्से अगर शेयर करना चाहें आप। शमी भाई ये तो 5 ग्राउंड बनाया है, पर इससे पहले हमारा एक दूसरा ग्राउंड था जिसको उन्होंने अपने हाथ से पिच बनाई थी, उसी
सीमेंटेड पिच बनाई थी, उसका वो बोटिंग करते थे, उस एरिया में कोई नहीं होता था, वो सीमेंट किट लगा कर बोटिंग करते थे। काफी हमको मतलब बचपन से एक लगाव था सचिन तेंदुलकर को, वो देखते थे खेलते हुआ देखते थे, तो वो बॉल से सोचते थे वो घर भी यहाँ जाकर खेल, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि वो वहीं से खेल रहा है। और जिस दिन सचिन तेंदुलकर का मतलब संन्यास लेने का वो था, उन्होंने डेब्यू किया था टेस्ट में, उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, अरुण। चूंकि मोहम्मद शमी की जिंदगी में पर्सनल लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं, फिर चाहे वो उनकी पत्नी से उनके संबंध हो या फिर उनके पिता का चले जाना हो, इमोशनल ट्रॉमा ऐसा भी रहा कि शमी अपनी बात कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक जाया करते थे, लेकिन वही शमी खुद को मजबूती से समेटते हैं, फिर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं और आज देश ही नहीं दुनिया में नाम शमी का हो रहा है। अगर ये रिश्तेदार हैं तो उन मोमेंट्स का भी कुछ जिक्र करेंगे, क्या वो टूटा हुआ शमी जो फिर से खुद को समेटता है, आगे बढ़ता है मजबूती के साथ और आज तो हर किसी की जुबान पर। क्रिकेटर शमी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा गया, उसके पत्नी के साथ भी विवाद चल रहा है, बीच में जो उनके पिताजी की मौत हो गई थी, कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू भी दिए जिसमें वो आंसू उनके आंसू छलकते दिखाई दिए, कहीं ना कहीं दर्द ऐसा कुछ मोमेंट बताया। देखिए, जब शमी भाई ने जब क्रिकेट उनका स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम पर शादी हो गई, शादी के बाद बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनकी फैमिली से, तो वो पता नहीं लोग बोलते हैं बाकी उनका जो था थोड़े से दिन, जब कोई भी फैमिली प्रॉब्लम होती है उसमें इंसान का फोकस थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, बट उन्होंने अच्छा कमबैक किया। हम अलग अलग तरह से करते कि उन्होंने अपने जीवन की अच्छी फाइट करके और अच्छी फाइट करने का नतीजा है कि आज की लाइफ पर्सनल लाइफ को अलग रखे, क्रिकेट लाइफ को अलग रखे, उन्होंने एक अच्छे हसीन जहां जो उनकी पत्नी है अक्सर वो कुछ ना कुछ जो है सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं, अब भी उन्होंने कुछ बयान दिया था, उससे पहले भी इंस्टाग्राम पर भी, इन सब चीजों से क्या मानते हैं आप, कैसा प्रभाव पड़ता है और गांव में क्या क्या लोग सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, उनको बारे में लोग सभी जानते हैं कि वो कितने अच्छे परिवार से लोग हैं, फैमिली में सब अच्छे होंगे, कोई ऐसा वो नहीं है उनकी फैमिली, उनकी वाइफ ने क्यों एजुकेशन लगाया, उनकी बाइक है वो की प्रॉब्लम पाती है, हम तो हमने कभी उनके तो देखा नहीं है, जब भी उनकी बाइक आती थी तो आप यकीन नहीं करता उनको, मतलब ट्रीट करते थे घर वाले हुए, फैमिली वाले हुए, गाँव में लाइट नहीं आती थी पाँच दिन या एक हफ्ता, दस दिन, बीस दिन, एक महीना भी रुकती थी, कंटिन्यू जनरेटर ला कर उनकी बाइक करके हम सब उनके माशा उनके घर में इंतजाम है सब कुछ है, वो मतलब उसके बाद सब अरुण चूंकि आप अरुण चूंकि आप अमरोहा में मौजूद हैं, अमरोहा के इन्हीं गांवों से इन्हीं गलियों से मोहम्मद शमी की शुरुआत हुई है अपने करियर की, यहीं पर वो घूमे टहले, यहीं बच्चे से वो बड़े हुए, इन खेतों में उन्होंने अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस की, उन्होंने क्रिकेट में एंटर करने का फैसला किया, वहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो कि क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहे हैं, उनकी पिच भी बनकर तैयार है, जरा लोगों से बातचीत तो कर लीजिए कि भाई यहीं से शमी ने सीखना शुरू किया, यहीं से शमी आगे के सफर पर चले गए, क्या वहाँ के बच्चे भी वही सपना अपनी आंखों में पाले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके गांव में ये मैदान है और यहाँ पर वो बच्चे सुबह से ही क्रिकेट खेल रहे हैं, और चूंकि शमी का गांव है तो इसलिए लोगों जो यहाँ के जो बच्चे हैं उसका भी क्रिकेट के प्रति काफी रुझान है, और उनका जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखी गई है सभी फाइनल के बीच उन्होंने 7 विकेट चटका है, तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें भी और कुछ बढ़ गई है, और हम यहाँ पे जो जो बच्चे हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, और सबसे बड़ी बात सब कल का जिस प्रकार से मैच होना है और सभी भी चूंकि यहाँ से रहने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं और आप किस वजह से बैटिंग कर रहे हैं? उम्मीद क्या जीतेंगे इस बार, भाई ने अब तो साथ लिया था, हो सकता है 10 में 10 ही ले लें, वर्ल्ड कप हमारा, वर्ल्ड कप हमारा पक्का। अच्छा, आप सरकार ने भी जहाँ पर आपके गांव में एक मिनी स्टेडियम पास कर दिया वो बनेगा? जी बनना ही चाहिए, हम तो ये समर सेल बन गया तो मैंने सिर्फ खेलते कहा पर जी स्टेडियम बनना ही चाहिए जी, खेलने के लिए मैदान नहीं होता। तो देखिए सुबह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और कल जिस प्रकार से वर्ल्ड कप का फाइनल होना है तो उसको लेकर भी सभी लोगों की यही कहना है कि जो भारत ठीक होगी जी। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जो कि अमरोहा से जुड़े हुए थे, अमरोहा में ही रहने वाले शमी, और यहीं से अपने उन्होंने करियर की शुरुआत की, इन्हीं गांव की गलियों में, इन्हीं गांव के खेतों में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और आज हर किसी की जुबान पर शमी का नाम है। बहुत शुक्रिया अरुण।